बैक दो दुकानों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम मैं हूं अनिमेश। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारी बातें अब होने वाली है वेरी टैलेंटेड एक्टर राहुल शर्मा के साथ। जी हां, राहुल को हम देख रहे हैं इस वक्त प्यार की लुका छुपी में। लोगों को इनका किरदार जो है बहुत पसंद आ रहा है। अपर्णा के साथ जो इनकी केमिस्ट्री है वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज राहुल के साथ बातें होनी ही चाहिए। राहुल हमारे साथ इस वक्त है। राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच। वेल, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं उन सभी की ओर से, आपके फैंस की ओर से, फ्रेंड्स एफएम की पूरी टीम की ओर से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी सारे जो भी आपके लिसनर्स हैं, जो भी मेरे शो के व्यूअर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं इस वक्त, उन सभी को मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल, आपके लिए भी काफी अच्छा रहे, क्योंकि हम जब आपको देख रहे हैं इस वक्त प्यार की लुका छुपी में तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है आपका किरदार। तो मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले मुद्दे पे ही आते हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे अच्छी बात इस शो में ये रही कि जब मैं शो को साइन करने जा रहा था उस वक्त जब मैं स्टोरी सुनी और शो के बारे में जब पूरा मुझे पता चला तो मुझे एक्चुअली शो बहुत जल्दी कनेक्ट कर गया। और मुझे लगा ही नहीं कि इस शो को मेरे पास नहीं करने का कोई रीज़न है, तो मैंने तुरंत हाँ भर दी शो के लिए एंड देन सेड के चलो ठीक है करते हैं। और जब मैं फर्स्ट डे सेट पर पहुंचा तो फर्स्ट डे हमेशा ऐसा रहता है कि सब लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, तो मिलते हैं और काफ़ी टाइम लगता है एडजस्ट होने में, एक दो महीने जाते हैं। मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लोग इतना एक दूसरे से घुले मिले और जिस तरह से हमने सीन परफॉर्म किया, जिस तरह से जर्नी शुरू हुई, कभी लगा ही नहीं कि ये शो हम आज हमारा पहला दिन ऐसा लग रहा था हम काफ़ी दिनों से शूट कर रहे हैं और ये मतलब जर्नी बहुत पहले से चल रही है और इट्स ब्यूटीफुल। तो शूट का एक्सपीरियंस जितने भी मैंने शूज आज तक किए उसमें सबसे खूबसूरत स्टार्ट मैं बोलूँ तो इस शो में रही। क्या बात है, शुरुआत काफी अच्छी रही और उसके बाद आपके किरदार को और साथ ही साथ अपना ही किरदार को, आप दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया, तो कुछ बताना चाहेंगे उनके साथ काम करके कैसा रहा, कैसा रह रहा है एक्सपीरियंस? अपर्णा इज वेरी नाइस, शी इज अ वेरी शी इज अ वंडरफुल को एक्टर फर्स्ट, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सेकंड, एंड थर्ड इज वेरी कोऑपरेटिव। सो इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मजा आ रहा है सीन्स करने में, कभी हमें लगता ही नहीं है जब मैं परफॉर्मेंस दी है या कुछ किया है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जस्ट हो रहा है हमारी आम जिंदगी में, ये हो रहा है तो वो उतना रियल हो जाता है कई बार वो चीज़ है। तो कभी भी हमें कोई डिसकंफर्ट किसी ऐसी तरह की चीज़ के परफॉर्मेंस में दिक्कत हुई हो या कुछ और चीज़ों में दिक्कत हुई हो कभी नहीं हुआ था। एंड टचवुड ऐसा ही रहे हमेशा, इसी तरह से हम लोगों को एंटरटेनमेंट दें और जिस तरह की केमिस्ट्री अभी देख रहे हैं उससे भी बेहतर परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करें। बिल्कुल राहुल, बता दो कि लोगों को बहुत किरदार आपको पसंद आ रहा है, आपको बहुत पसंद किया जा रहा है, तो आपने क्या सोच रखा है आने वाले 10 सालों में राहुल को हम और किन किन रूप में देख पाएंगे, क्या प्लान कर रखी है आपने? सबसे बड़ी बात क्या होती है ना एक्टर की लाइफ में, वो प्लान नहीं कर सकते कि वो क्या कैसा देखना, कैसा जिंदगी में क्या निभाएंगे, कौन सा किरदार निभाएंगे। ये मैं खुद भी सरप्राइजेस की तरह लेता हूँ, जिस तरह की ये मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि कुछ अच्छा शो करूं, बिकॉज जितने भी शो मैंने पास्ट में दिए हैं, चाहे वो एक घर बनाना हो, काल भैरव हो, चाहे एक रिश्ता ऐसा भी हो, सब बहुत अलग अलग तरह के और बहुत ही अप्रिशिएटेड शोज रहे हों, तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है कि अगला शो आप जो भी करें वो ऑडियंस को उस तरह से इंटरेक्ट होना चाहिए, उस तरह से उनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। सो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अगली चीज़ मिल लूँ वो मेरी ऑडियंस के लिए एक नया कुछ हो देखने के लिए, दूसरा उनको मजा आए मुझे देखने के लिए, और तीसरा वो जब भी वो देखे तो मुझसे कनेक्ट कर सके बहुत इजीली, और कुछ ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट उसके अंदर रहे जो उन्होंने पहले नहीं देखा हो, और अगर देखा भी है तो उसको किस तरह से नए तरीके से मैं पेश कर सकूँ। सो कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरह के किरदार अगली बार जब मैं लूँगा तो कुछ एक शायद मेरे ख्याल से कुछ एक ऐसा सरप्राइजिंग कैरेक्टर दूंगा जो उन्होंने अभी तक मेरा नहीं देखा है। तो मेरा वही प्लान है कि हर बार हर साल कुछ नया कुछ अच्छा सरप्राइजिंग एलिमेंट उनको मैं दूँ। बिल्कुल, ये एक अच्छे एक्टर की पहचान भी होती है। वैसे राहुल मैं जानना चाहूंगा कि बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा आपको काट रखा था, ये कैसे हुआ, आपके फैंस जानना चाहते हैं शुरुआत कैसे हुई? नहीं एक्चुअली मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था ये कभी भी ये बहुत ही कोइंसिडेंशियल चीज है।
तो मैं एक्चुअली थिएटर जो थिएटर की एक वर्कशॉप हो रही थी जयपुर में, आई बिलोंग टू राजस्थान, जयपुर के पास में एक शहर है दौसा, वहां से बिलोंग करता हूँ। प्रिपरेशन के लिए कुछ क्लासेस वगैरह सर्च कर रहा था, उसी दौरान एक मॉडलिंग शो के लिए मेरे भैया ने बोला और मैं जबरदस्ती वो जाके मैंने वो किया। उस दौरान मेरी मुलाकात एक थिएटर वाले बंदे से हुई, उसने मुझे सजेस्ट किया कि थिएटर क्यों नहीं करते, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन जनरल लाइफ आल्सो इफ यू डोंट वांट टू परस्यू एक्टिंग आल्सो। सो आई जस्ट गेव इट अ ट्राई एंड मैं गया, तो 40-45 दिन की एनएससी की वर्कशॉप थी। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप से आई हैव रियलाइज कि अपन ये एक ऐसा फील्ड है जिसको मैं पैशनेटली और पागलपन के साथ कर सकता हूँ, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं जिंदगी में इतने किरदार जितने भी शायद वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं इसी जिंदगी में जी सकता हूँ। तो वो एक बहुत ही एक्साइटिंग फैक्ट लगा मुझे लाइफ का, और देन बस उसके बाद से वही एक शुरुआत हो गई। और फिर मैंने जिस पागलपन से अपने लिए तैयारी की और जिस तरह से अपने आप को बिल्कुल, तो राहुल मैं जानना चाहूंगा कि उसके बाद तो शुरुआत हो गई, लोगों को आपका काम भी अब पसंद आ रहा है, वैसे सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, तो कोलकाता कभी आना हुआ है, कोलकाता लेके कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, कोलकाता आने की बहुत बार ऐसा हुआ कि शूट के लिए मुझे जाना था, चीजें होनी थी वो वर्कआउट नहीं हुई, मुझे एक फ्रेंड की वेडिंग के लिए जाना था वो वर्कआउट नहीं हुआ। कोलकाता मुझे कुछ स्पेशल सरप्राइज के साथ बुलाना चाहता है, ये मेरा मानना है, और अभी तक मैं कोलकाता नहीं आया हूँ, पर आई रियली लव दैट सिटी बिकॉज ऑफ द कल्चर जो आप क्यों सारा बंगाली कल्चर है, तो वहाँ के जो हिस्ट्री रही है वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अपील करती हैं, एंड आई वुड लव टू विजिट वेन एवर आई विल बी कमिंग। आई डेफिनेटली लेट पीपल नो दैट आई एम इन कोलकाता एंड आई लेट यू गाइज नो दैट आई एम देयर। बिल्कुल राहुल, हम चाहेंगे कि जब आप कोलकाता जल्दी जल्दी आए तो हमारे स्टूडियो में आए, बैठ के ढेर सारी हम बातें और भी करेंगे, आपके फैंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, व्यूअर्स लिसनर्स सबके साथ बातें होगी। वैसे जाते आते जो आपके फैंस आपको सुन रहे हैं उन सभी से कुछ कहते जाइए। आमी तुम्हारे भालूबाशी। दारुण दारुण, क्या आवाज है, और कुछ जी? ये मेरी तरफ से उन सभी को, सारे मेरे सबके लिए है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और आप लोगों की वजह से ही और आप लोगों के लिए ही मैं जो भी करता हूँ, आप लोगों को दिमाग में रखे ही मैं सब चीज़ें करता हूँ जिंदगी में, एंटरटेन करने के लिए आपको, जो भी मेरी परफॉर्मेंसेज हैं आप लोग अच्छे से मुझसे रिलेट कर सकें, बस आपका प्यार देते रहिए, आपका ब्लेसिंग, आपकी साथ मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, तो देते रहिए, कीप ऑन लविंग प्यार की लुका छिपी हाल फिलहाल जो शो है उसके लिए। And thank you so much for the love which you are giving right. Thank you. क्या बात है राहुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए, फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से आपके साथ बातें होते रहे और इसी तरह से आप हम सबको एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलिए हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर राहुल शर्मा, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी उनके शो प्यार की लुका छुपी के बारे में। सुनते रहो, साथ रहो, यह है फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की। Friends FM 91.